Hi friends, welcome to JC Academy, and today we are going to pursue day 17 of the Hindu vocabulary show. So let's go to the today's word. So the first word of the day is parity. If we talk about the word parity, we can closely correlate this word with one of the popular phrase, and the phrase is to tip the balance. इस फ्रेज का मतलब क्या है इससे पहले समझेंगे बैलेंस का मतलब क्या होता है इंग्लिश में बेसिकली बैलेंस का मतलब होता है फलक्रम और हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए आता है लेकिन बैलेंस अगर नाउन की तरीके है तो बैलेंस का मतलब होता है तराजू एंड टू टिप द बैलेंस का मतलब होता है किसी भी तराजू को एक तरफ कर देना तो मतलब पार्शियलिटी एग्जैक्टली पार्शियलिटी कह सकते हैं यहाँ पे पार्शियलिटी के लिए एक और वर्ड है दैट इज बायस्ड दैट इज बींग यूज्ड मेनी टाइम्स इन योर न्यूज़पेपर There is also one more word called as prejudice. इसका मतलब होता है पहले से ही decision ले लेना, पहले से ही justify कर लेना, तो that is prejudice. There is one more word that is called as partisanship. This is also some synonym of your bias or partiality. अब यहाँ से निकल के आता है एक और word disparity. Disparity का मतलब होता है partiality. तो पैरिटी का मतलब क्या होता है इम्पार्शियल इम्पार्शियल का अगर हम बात करें इक्वल देयर इज वन मोर वर्ड दैट वी कैन यूज दैट इज इक्वल इक्विवेलेंस पैरेललिज्म भी कह सकते हैं आई होप दिस इज वेरी क्लियर सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे द नेक्स्ट वर्ड इज पेरिलस द वर्ड पेरिल हैज बीन यूज्ड मेनी टाइम्स इन द न्यूज़पेपर पेरिल का मतलब होता है एंडेंजर और डेंजर कह सकते हैं यहां पे इसको कोरिलेट करने के लिए पेरिल के सिनोनिम जो है वो है पेरिल पारलेस डाइसी डाइसी सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जहां पे काफी कंफ्यूज्ड होता है इंसान इसके लिए एक और फ्रेज भी है इन अ फिक्स इन डोल्ड्रम्स भी कह सकते हैं एक और वर्ड है दैट इज जियोपार्डाइज जियोपार्डाइज का मतलब ये होता है In danger. Let's move to the next word. The next word is ratchet. Ratchet का मतलब होता है something which is declining. या हम इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं de-escalate. आप सबको पता है एक्सकलेटर होता है स्वचलित सीढ़ियां वो सीढ़ी जो अपने आप चलती रहती हैं तो एक्सकलेटर इज बेसिकली चढ़ने के लिए आता है और इसके लिए एक और वर्ड भी है जैसे एलिवेट का मतलब भी ऊपर चढ़ना होता है एलिवेटर होता है लिफ्ट को कहते हैं एलिवेटर तो एक्सलेट का मतलब ऊपर जाना होता है डी एक्सलेट मतलब नीचे उतरना या इसलिए एक और वर्ड कर सकते हैं दैट इज डिसेंड वी कैन ऑल्सो यूज मिटिगेट तो आई होप दिस वर्ड इज वेरी क्लियर टू यू ऑल रैचेट का मतलब समझ में आ गया होगा रैचेट का मतलब होता है कम होना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज मेनेस मेनेस का मतलब होता है पर्सन हु इज लाइकली टू हार्म यू बेसिकली थ्रेटनिंग आपको कोई हार्म करने वाला है तो दैट विल बी अ मेनेस थ्रेटनिंग कह सकते हैं थ्रेटन कह सकते हैं अब जब कभी कोई इंसान किसी को हार्म करता है तो हार्म करने से पहले अगर आपको पता चल गया एंड यू विल हार्म हिम बैक तो दैट टाइप ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड एज पैरानोइया पैरानोइया एक ऐसा इंसान होता है एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसको जब कभी किसी दूसरे से हार्म फील होता है तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है यहां से एक और वर्ड उठा सकते हैं दैट इज सिनिकल सिनिकल का मतलब होता है डाउटफुल या हम ऐसे कह सकते हैं पर्सन हु आस्क्स टू मेनी क्वेश्चंस इज कॉल्ड एज सिनिकल डाउटफुल के लिए तो एग्जैक्ट वर्ड कह सकते हैं दैट इज स्केप्टिकल स्केप्टिकल का मतलब होता है क्वाइट डाउटफुल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड इज वेक्स्ड When we have this word vexed, we can closely correlate this word with the perplex. अब perplex का मतलब हम सबको पता है परेशान होना confused होना तो vexed का मतलब क्या होता है confused और perplexed. यहां पे और भी वर्ड जैसे एक phrase है perplex से लिया आता है at wit's end. क्या मतलब होता है इसको देखते हैं witty का मतलब होता है समझदार ज्ञानी इसके लिए एक और वर्ड भी है prudent समझदार तो अगर हम बात है सगेशियस सगेशियस का मतलब क्या होता है समझदार तो अगर हम बात करते हैं विटी प्रूडेंट सगेशियस का तो इन सबका मतलब होता है समझदार अब वो जगह जहां पे तुम्हारी समझदारी खत्म हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड एट विट्स एंड
आई होप दिस इज वेरी क्लियर. और एडविट्स एंड का मतलब समझ में आ गया होगा, इसका मतलब भी होता है कंफ्यूज और परप्लेक्स्ड. आइए देखते हैं द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे. सो द नेक्स्ट वर्ड इज रॉबस्ट. रॉबस्ट का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, विगरस. Powerful, full of energy. मेरे ख्याल से robust का मतलब समझ में आ गया होगा. Let's move to the next word. The next word is sundry. Sundry एक phrase में use होता है, all and sundry. All and sundry का मतलब होता है कुल मिलाकर. Sundry का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर, overall. इसके लिए और भी words use कर सकते हैं, जैसे miscellaneous. आपने सुना होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, मिसलेनियस. या हम लोग कह सकते हैं वेरियस. वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड मॉटली. मेरे ख्याल से सेंट्री सन में आ गया होगा. सेंट्री का मतलब होता है कुल मिलाकर. ऑल एंड सेंट्री इज द फ्रेज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज स्कॉर्चिंग. जब हम बात करते हैं स्कॉर्चिंग की, तो स्कॉर्चिंग इज बेसिकली यूज फॉर समर्स. स्कॉर्चिंग हीट. इसके लिए और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सल्ट्री. सल्ट्री वेदर बहुत ज्यादा धूप के लिए यूज होता है. ब्लिस्टरिंग हीट. ब्लिस्टरिंग हीट का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा धूप होना. एंड सियरिंग हीट, इसका मतलब ये होता है बहुत ज्यादा धूप होना. अब वी हैव होमोफोन्स फॉर शियर. पहला है एस डबल ई आर, सियर. सियर होता है जो मंदिर में जो महंत होते हैं उनको सियर कहते हैं, एस डबल ई आर. दूसरा है शियर, जैसे कि अगर हम कहें इट्स जस्ट एंड शियर फुलिशनेस, तो एस एच डबल ई आर शियर इज कैन बी यूज लाइक वेरी. फिर हम बात करते हैं एस एच ई ए आर शियर. शियर का मतलब होता है रियरिंग ऑफ द वूल ऑफ अ शीप. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज शियरिंग, एस एच ई ए आर. एंड द लास्ट वन एस ई ए आर, दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द वर्ड हीट. शेयरिंग हीट मतलब होता है बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्मी के लिए आता है शेयरिंग हीट. स्कॉर्चिंग हीट भी वही आपका वर्ड है. स्कॉर्चिंग का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा गर्मी. आई होप दिस वर्ड इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज नच. नच का मतलब होता है टू प्रॉड यूजिंग एल्बोज. जस्ट टू ग्रैब अटेंशन. कहने का मतलब यह है कि किसी को कोनी मारना उसका टेंशन ग्रैप करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज नच. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. लॉरिएट. लॉरिएट का मतलब क्या होता है? आप सबने सुना होगा नोबल लॉरिएट होते हैं, समवन हु हैज बीन हॉनर्ड बाय एन अचीवमेंट. कोई ऐसा इंसान जिसको कोई अचीवमेंट मिला है, समवन हु हैज बीन हॉनर्ड बाय एन अचीवमेंट, उसको कहते हैं लॉरिएट. ऐसे व्यक्ति अक्सर काफी पढ़े लिखे होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ए स्कॉलर. स्कॉलर के लिए एक और वर्ड भी कह सकते हैं, दैट इज लर्नेड पर्सन भी कह सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज एरुडाइट. एरुडाइट का मतलब भी क्या होता है? लर्नेड पर्सन, स्कॉलर टाइप. इसके लिए अच्छा अचीवमेंट के लिए कुछ और आपके फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, जैसे अगर हम कहा जाए अ टाइटल अंडर द बेल्ट. अ टाइटल अंडर द बेल्ट का मतलब भी होता है टू हैव एन अचीवमेंट. एक और फ्रेज भी है फेदर इन वंस कैप. दिस ऑल्सो मीन्स टू हैव एन अचीवमेंट. एक और फ्रेज भी है दैट इज क्रॉस अ माइलस्टोन. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टू हैव एन अचीवमेंट. आई होप दीज ऑल वर्ड्स आर वेरी क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सल्ट. एक्सल्ट की जब बात करते हैं तो दिस इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड जुबिलेट. जुबिलेट का मतलब चेयरफुल कह सकते हैं. जुबिलेट का मतलब होता है, दिस वर्ड जुबिलेट हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड जुबली. एंड वी ऑल हैव हर्ड सिल्वर जुबली एंड गोल्डन जुबली. तो जुबली कब होता है? जब कभी हम खुशी मनाते हैं. एक्सल्ट मतलब होता है टू रिजॉइस, टू बी हैप्पी. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज ऑरी. ऑरी का मतलब होता है समथिंग क्वाइट फाउल.
This is a negative word. We can use like loopholes. किसी में कोई खामियां, flaws, lacunae, we can be easily correlated with the word ori. Let's move to the next word. The next word is hobble. Hobble can be closely correlated with the word stagger. And stagger का मतलब we have done that कि जब कभी हम लोग लड़खड़ाते हैं, जैसे कि अगर पैरों को लड़खड़ाने के लिए word आता है stagger. Hobble is somewhere similar to that only. But the difference is, it is just due to pain or any injury. जब कभी हम चलते वक्त लड़खड़ाते हैं pain या injury की वजह से that is called as hobbling. And staggering is basically when someone consume alcohol, so he stagger. पैरों को लड़खड़ाना इसका मतलब भी होता है. Let's move to the next word. The next word is tantamount. Tantamount का मतलब होता है equivalent, exactly equal. You can say equal to. Let's move to the next word. The next word is tandem. अच्छा, tandem can be used in two type, basically two types. One is noun and one is verb. तो पहले बात करते हैं noun की. तो tandem noun के form में तब use होती है. तो उसका मतलब होता है आपकी वो cycle जिसमें तीन टायर होते हैं या फिर दो आपके पैडल होते हैं. एक साइकिल को जब कभी दो लोग बैठ के चलाते हैं, that is called as tandem and this is a noun. When we talk about a verb that is related to tandem, तो verb means standing in a line or in a sequential order. Tandem का मतलब समझ में आ गया होगा. Q को कोलेट करें तो Q का मतलब फ्रे भी हो सकता है और एरे भी होता है. एरे का इस्तेमाल भी किसी भी चीज को लाइन से लगाने के लिए word use होता है, एरे. Let's move to the next word. The next word is foxhole. Foxhole is basically used as bunker. जब कभी किसी भी चीज से बचने के लिए हम लोग जो छोटे मोटे घर बनाते हैं, that is basically called as bunker. और foxhole can be closely associated with the bunker. Foxhole का मतलब क्या होता है? Bunker आप समझ सकते हैं. Let's move to the next word. The next word is unremitting. Unremitting का मतलब होता है the thing which never relaxes or stops. ना वो रिलैक्स करती है ना वो स्टॉप करती है. तो बेसिकली ये लगातार चलती है और लगातार के लिए वर्ड हमने आपको बहुत सारे बता के रखे हैं. फॉर एग्जांपल इंसेसेंट रेन के लिए होता है, रिलेंटलेस एफर्ट्स होती हैं, आपकी परसिस्टेंट एफर्ट्स के लिए आता है. दीज ऑल वर्ड्स आर बीइंग टोल्ड टू यू ऑल. तो आइए डिस्कस कर लेते हैं सारे वर्ड्स एक बार फिर से. परसिस्टेंट एफर्ट्स इनएक्सोरेबल किसके लिए होता है? डिमांड्स के लिए होता है. पावर सप्लाई के लिए वर्ड यूज होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. यूपीएस का फुल फॉर्म आपको पता है. और अगर हम बात करते हैं अनफ्लिंचिंग की वर्ड यूज होता है लगातार मिलते हुए सपोर्ट के लिए. अनफ्लिंचिंग किसके लिए होता है? अनफ्लिंचिंग इज बेसिकली यूज फॉर सपोर्ट. तो आई होप दीज ऑल वर्ड्स आर वेरी क्लियर टू यू ऑल. समझ आ गया होगा आप लोगों को. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज अटॉप्सी. Autopsy is basically a word जिसको हिंदी में हम लोग postmortem कहते हैं. Postmortem किसी भी dead body पे की जाती है to know the cause of death. तो इसका जो English version है postmortem का that is called as autopsy. Autopsy से closely correlate करके word हम discuss करते हैं सकते हैं biopsy. Biopsy का मतलब होता है जब कभी कोई इंसान बीमार होता है तो हम लोग जो test कराते हैं to know the cause of disease is called as biopsy. और मरने के बाद जो टेस्ट होते हैं टू नो द कॉज ऑफ डेथ इज कॉल्ड एज ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम. द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज सिफ्ट. अगर बात करते हैं सिफ्ट की तो सिफ्ट का मतलब होता है छानबीन करना, किसी चीज को छानना. अब यहां पे छानने के लिए अगर हम बात करें तो सीव का इस्तेमाल करते हैं. सीव इज छन्नी एंड वी कैन ऑल्सो यूज फिल्टर. ये हो गया छानना. लेकिन छानबीन के लिए भी आपका आता है सिफ्ट. और छानबीन के लिए जब कभी आता है वर्ड सिर्फ तो वहां पे इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट. इन्वेस्टिगेट के अलावा वी कैन आल्सो यूज सम अदर वर्ड्स लाइक स्क्रूटनाइज. आपको पता होगा स्क्रूटनी होती है. स्क्रूटनी का मतलब होता है जब एग्जाम की स्क्रूटनी होती है दोबारा रीचेकिंग की तरह यूज होता है. तो स्क्रूटनाइज भी आपका इन्वेस्टिगेट या रीचेक के लिए आता है. देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड इन योर न्यूज़पेपर मेनी टाइम्स एंड द वर्ड इज प्रोब. प्रोब का मतलब होता है जांच. ये कई बार शब्द आता है आपके अखबार में. And let's see the last word of today's vocabulary list. And the last word is accord. Accord का मतलब होता है एक तरह का deal, एक तरह का समझौता
MOU अक्सर अखबार में आता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो दो पार्टियां आपस में समझौता करती हैं। वी कैन ऑल्सो यूज पैक्ट, लखनऊ पैक्ट आपने सुना होगा, बहुत सारे पैक्ट्स हुए हैं आपके इंडिया में। तो बेसिकली दीज ऑल कैन बी क्लोजली रिलेटेड विद द वर्ड अकॉर्ड। तो आई होप दीज ऑल वर्ड्स आर वेरी क्लियर टू यू, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।